फैमिली फॉल के ऊपर एक होटल में है, यहाँ का आलू का पराठा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और चाय के कप देखो कितने बेहतरीन है। इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे कैंपटी फॉल, उसके बाद देहरादून वापस जाएंगे, गुच्ची पुच्ची पानी। झरना एक गर्म झरना है तो गर्म झरने में गर्म गर्म नहाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं, पराठा फिर गायब हो गया मेरा, लाओ भैया इसमें रख दो। हेलो दोस्तों, हम लोग कैंपटी फॉल जा रहे हैं और ये तकरीबन 400-500 सीढ़ियां हैं, इनको उतर के तब नीचे कैंपटी फॉल पे मिलते हैं। और ब्रदर ठंड कैसी है? बहुत बढ़िया वाली ठंड हो रही है भाई। ये देखो, ये हमारे अक्षय भैया ने जेम से बाहर हाथ निकालने से रिफ्यूज कर दिया है। रिफ्यूज बेटे इंग्लिश। ठाकुर गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं आप, पर हम तो रुके नहीं। हाँ, अपना गेस्ट हाउस साथ लेके आए थे। ये दो बाउंसर मिले हमें यहाँ, एक जब गए थे तब मौज आ रही थी, जब वापस ऊपर चढ़ रहे तो ज्यादा मौज आ रही है। गहराई देखो सारी कितनी है। लेकिन हाँ, कैंपटी फॉल था मजेदार, ठंडा एकदम चिल्ड पानी। उंगली दे दी तो उंगली कट के गिर गई थी, नीचे उठाकर फिर लगाई है मैंने अपनी उंगलियां। बाकी हमारे दोनों आंसर अब भी हमारे साथ है, उत्तराखंड। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। क्यों तू लेके जा रहा? हाँ मैं लेके जा रहा हूँ, हमारा टांग ना है। लेके जा रहा हूँ अपने अपने देख के कभी। अरे गुदे में कभी भस जा अंदर। कौन कर रहा है? गर्म पानी है। मैं तो खुद ही कर रहा हूँ। मर जा मर गया, बच गया भी, गिर जाता ही है। और भी अंदर गए थे रॉबर्ट्स केव में भाई साहब, क्या मस्त झरना था, क्या मस्त झरना था। अब हम बाहर आ चुके हैं, देहरादून मसूरी कलौटी सब एक दिन घूम के हम लोग वापस आ चुके हैं ऋषिकेश। बहुत खूबसूरत एहसास है, इतनी ठंडी हवा जैसे सीधे स्वर्ग से आ रही है। और ये राम थोड़ा इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा। और अब आज का टूर खत्म हुआ, ये वीकेंड हमारे उत्तराखंड में गुजरा है, नेक्स्ट वीकेंड देखते हैं कहाँ गुजरेगा। ये मेरा चूतिया दोस्त, क्या कह रहे हैं, ये मेरा बेवकूफ दोस्त।